Assalamualaikum everyone, this is me Laiba Abhis and welcome back to my channel. So guys, I hope आप सब लोग ठीक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज आपके लिए सरप्राइज़ है कि आज हम लोग कहाँ हैं. हम लोग बहुत ही ना लाइटिंग वाली जगह पर है, बहुत ही अमेजिंग सी है. लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसकी एंट्रेंस दिखाती हूँ, कितनी प्यारी इसकी एंट्रेंस. सो ये इसकी खूबसूरत सी एंट्रेंस है. और वैसे टिकट ले लिया, अब हम लोग जाते हैं अंदर. अंदर से देखते हैं कि अंदर से इसमें कितनी खूबसूरती है. वहाँ से मुझे दरख्त नजर आ रहे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो अंदर सबसे पहले सामने एक डायनासोर है. अब हम लोग आगे जाते हैं यहाँ से. डायनासोर चला गया उधर, मुझे तो खुद डर लग रहा है. पार्क में एंटर हो गए. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पार्क में क्या क्या. फिर हम अंदर जाते हैं. ये सारा इस तरफ से हो, यहाँ पे डक शायद ट्रेन है, डक वाली शायद चल नहीं रही है. और ये सारा और वो लाइटिंग वाला गैलरी कितनी अच्छी लग रही है. बहुत ही अभी हम लोग वहाँ से भी जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको वहाँ से सारा पार्क का व्यू करवा दूँ. इधर आओ. वहाँ से मैं आपको पार्क का व्यू कराती हूँ. बहुत ज्यादा शोर है, इस वजह से आवाज शायद नहीं ना आ रही हो. बच्चे लोग के डर के रो रहे हैं. सो गाइस हम लोग आगे जाते हैं. तो आप मेरे बैग पे आपने देखा ये इतना प्यारा उन्होंने मोर बनाया है. उसमें इतने ज्यादा सारे कलर्स हैं. वो इतना अच्छा खूबसूरत देखने में लग रहा है ना कैमरे में. आई डोंट नो ऐसा आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा है ना. फ्लावर्स है हर चीज उसके साइड पे. अभी वहाँ पे तो वो इतना प्यारा लग रहा है ना. पहले इधर चलते हैं वैसे सर, बटरफ्लाई वाली गैलरी. बटरफ्लाई गैलरी में जाते हैं. यहाँ पे ये हॉर्स खड़ा किया है इन्होंने, ऐसे उसके ऊपर भी फुल लाइटिंग की हुई उन्होंने साइड पे. वो फ्लावर्स हैं. अभी हम लोग ये बटरफ्लाई आपको साइड में नजर आ रही है, तो बटरफ्लाई गैलरी में जाते हैं. ये बटरफ्लाई गैलरी है, अभी इसमें हम लोग जाते हैं. आपकी कह रही यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कितनी अच्छी लाइटिंग हुई. ऐसे बटरफ्लाई गैलरी बनाई उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट हो रही है. और ऐसे हम लोग आगे जाते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या. ये वाले ट्रीज से जो मुझे बाहर से नजर आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे इनपे फुल लाइटिंग की हुई है ट्रीज पे, और फुल ऐसे लाइन में की हुई है. वैसे ही फुल ऐसे व्यू दिखाए हैं पहले. ये फुल लाइटिंग है और यहाँ पे एक तरफ इन्होंने ये ट्रीज पे सारी लाइटिंग की, और एक तरफ इन्होंने ऐसे ये बनाया हुआ फ्लावर कार्ड बटरफ्लाईज का. क्योंकि बटरफ्लाई गैलरी है, इस वजह से उन्होंने बटरफ्लाई का भी टच दिया और फ्लावर्स को भी साथ उन्होंने. बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत और मल्टी मल्टी सी जगह है लाइटिंग वाली. यहाँ पे ये क्यूट क्यूट से बनी है. आगे फिर अगेन और इसके आगे है फ्लावर वैली. वहां से मैं फ्लावर वैली स्टार्ट हो गई. सो अब हम लोग आगे चलते हैं फ्लावर वैली में. और आपको
गाइस अगेन यहाँ पे उन्होंने सारे हर जगह ना फोटो पॉइंट बनाए, उनके नेम्स किए हुए, जैसे पीछे हमने फ्लावर वैली देखी थी, और अब यहाँ पे ये दो डक खड़ी हुई है और ऐसे उनके वो पंख कितने अच्छे लग रहे हैं, और मतलब कि फुल ग्लो। इसका पार्क का नाम है ग्लो गार्डन, तो हर जगह ग्लो ही ग्लो है। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हैप्पी फॉरेस्ट। ये भी बताओ पूल, और ये फूल नजर आ रहे हैं, प्यारे से रेड कलर के फ्लावर्स हैं। और आगे जाते हैं तो हैप्पी फॉरेस्ट दिखा हुआ, ये भी एक फोटो पॉइंट बनाया हुआ। वैसे कहीं मेरी फोटो तो बना दो। यहाँ पे पीछे ना उन्होंने पूरी दुबई की एक टनल बनाई है, दुबई गार्डन ग्लो जो है उसकी टनल है, और साथ यहाँ पे एक आइस बियर है उसकी भी टनल है, लेकिन हम पहले इस टनल में जाएंगे उसके बाद इस टनल में, तो पहले चलते हैं दुबई वाली टनल। गाइज ये टनल है और ये टनल का एंट्रेंस है, और यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। फुल उन्होंने लाइट की हुई है, रेड ग्रीन हर लाइटें चल रही हैं। वैसे मैं मेरी इधर पिक्चर बना लूँ। तो गाइज इस टनल में और कुछ नहीं, तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। हम लोग आगे जाते हैं इसके एंड पे, देखते हैं क्या है, और उसके बाद हमने साथ वाली टनल में भी जाना है। गाइस हम लोग जैसे ही टनल से बाहर हैं, तो यहाँ पे इतना प्यारा ये दरख्त है जो उन्होंने ट्री अम्ब्रेलाज लगाई हुई है और लाइटिंग फूल हुई है, तो इतना प्यारा मतलब मशरूम स्टाइल उन्होंने बनाया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जिस तरह से निकले उसकी एंट्रेंस भी कितनी अच्छी है, साइड पे दो बनी है और सेंटर में फ्लावर्स। आपको बताया था एक बियर्स वाली टनल है और एक फ्लावर्स वाली, फ्लावर वाले वहाँ चले गए थे, और अब इस टनल के बैक साइड से एंटर होते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे ये बनाए हुए हैं, आइस बियर्स बने हुए इधर भी उधर भी, और ये गाइज ये बस इतनी सी टनल थी। हम लोग वहाँ पे उस साइड पे मुझे एक और हर्ट्स वाली टनल नजर आई थी, उसके अंदर से गुजरते हैं। तो गाइज यहाँ पे आगे आई लाइव दुबई, इस टनल के अंदर से हम लोग अब जाते हैं। ये पूरी हार्ट शेप उन्होंने टनल बनाई हुई है, हार्ट्स हैं और उसके ऊपर लाइटिंग की हुई है। पे एक बग्गी है, हम उसके अंदर बनाते हैं। काफी देर से मैं वेट कर रही थी, लोगों का रश था, खाली हो गया, कोई बना। बहुत बहुत ही प्यारा पार्क, और यहाँ पे इतना अच्छा आर्ट का वर्क हुआ है ना, इतनी मेहनत हुई है, मतलब कि इतनी लाइटिंग की और हर चीज़, इतनी हर जगह उन्होंने फोटो पॉइंट बनाया, बहुत ही अच्छा पार्क है। अभी तो इतना ज़्यादा पड़ा है, जहाँ हमें देखें दूर दूर तक लाइटिंग हुई है, तभी आपको आगे और भी बहुत कुछ दिखाना है, तो आ जाना। पीछे इतना प्यारा मोर है जो ऐसे ग्लो ग्लो कर रहा है। गाइज जैसे आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, आप खुद ही देख रहे हैं। होते हैं प्लांट्स और वो आगे देखिए कितना अच्छा है। अभी यहाँ पे एक और गैलरी है जो बहुत ही प्यारी लाइटिंग, रेनबो लाइटिंग है।
बैठ गई हूँ, लेकिन ये पीछे आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने चाय के कप में और साथ ऐसे थर्मोस सा बनाया हुआ है और फुल उस पर लाइटिंग की हुई है और कल्चरल सा ट्रेडिशन सा उस पर सारा उन्होंने सेटअप किया हुआ है, वैसे ट्रेडिशन सा लग रहा है। और वहाँ से चाय भी मिल रही है। तो गाइस यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी फिश एक्वेरियम टाइप बनाया गया, लाइटिंग की हुई है, फिश एक्वेरियम टाइप सा है सारा। गाइस उन्होंने ना हर जगह लाइटिंग की है, कोई भी उन्होंने खाली जगह नहीं छोड़ी। अब जैसे ये एक थी गली, उन्होंने यहाँ पे भी इस साइड पे पूरी लाइटिंग कर दी है, उस साइड पे हम लोग फिश एक्वेरियम वाली गैलरी से आए हैं, तो यहाँ पे वो कप और थर्मोस वगैरह हैं। अभी हम लोग आगे वहाँ पे जा रहे हैं, उस गैलरी के अंदर से गुजरते हैं कि वो कैसी उन्होंने लाइटिंग वहाँ पे की है। और अगेन यहाँ पे यहाँ पे अब एक ये गैलरी है, जैसे दूसरे मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी पूरा उन्होंने रेनबो डेकोर किया हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सो गाइज अब जहाँ पे वो लाइट वाला मतलब कि मल्टी लाइटिंग वाला ग्लो वाला खत्म हो गया, हम लोग एनिमल वाले एरिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हर एनिमल, जैसे कि वहाँ पे एलिफेंट खड़ा है, यहाँ पे लाइन है, उसके पीछे शेरनी है, तो उनके अंदर उन्होंने लाइटिंग वगैरह की। अभी हम लोग आगे जाते हैं, वो ब्रिज से आगे होती है, हम लोग डायनासोर पार्ट में आ गए, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। चल रहा है डायनासोर ना, उससे ज्यादा डर लग रहा था, ये तो चलो खड़े है, उसकी आंखें भी ब्लिंग ब्लिंग करती है। ओए होए पीछे वाले को भी हेलो करो। सो गाइस यहाँ पे ये फुल, जैसे मैंने आपको बताया ना, अब एनिमल्स वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे वो देखें कितना प्यारा वाटर पार्क सा बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है बस, है ना। यहाँ पे सारे उन्होंने एक तरफ स्केलेटन्स है, तो अब देख लें ये डायनासोर के स्केलेटन्स का उन्होंने स्केच स्टैचू सा खड़ा किया हुआ है। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, हम लोग कुछ खा पी लें, छली लेने लगी हूँ मैं यहाँ पे, एक वो ही है यहाँ पे वैसे जूस लेंगे, और मैंने कहा मैं तो छली खाऊंगी। मैंने कहा तो वो ग्रिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर अभी ग्रिल होगी तो फिर हम cash bro. You fix that because it's 17, we don't have a change points. How much is the total now? Let me check. Okay, if you have fix up, better. But if you don't... यहाँ से अब मैं छली लेने लगी हूँ, मैंने कहा मैंने ग्रिल लेनी है, तो फिर अब वो यहाँ से उन्होंने उतारा छिलका विलका, वो ग्रिल हो रही है वहाँ पे, फिर उसमें भी साला छः साला लगेगा और फिर मैं खाऊंगी। भाई ये छली बहुत बहुत मज़े की है, इतनी मीठी, और ऊपर उसने मटर और सॉल्ट लगाया तो और भी ज़्यादा मज़े की लग रही है। और व्यू तो आप देख रहे हैं, इतने मज़े का पीछे भी और मेरे फ्रंट पे भी बहुत ही अच्छा व्यू है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़े की जगह है, आई एंजॉय अ लॉट। हम लोग डायनासोर पार्क में आ गए हैं, आप अंदर चलते हैं, इधर डायनासोर का अंडा, इधर अंडा अंडा टूट वहाँ पे दुबई फ्रेम नज़र आ रहा है। गाइस यहाँ पे ना हर तरह के डायनासोर हैं, और मुझे कोई पता नहीं डायनासोर के बारे में, बड़ा डायनासोर छोटा डायनासोर बस इतना पता है।
ये काफी हॉरर सी जगह, वेरी बिग डायनासोर, वो भी मूव कर रहा है। अब ये चुप कर गया है, देखो हाथ, देखो उसके हाथ। So guys, आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैजिक पार्क के मीन्स के ना सारी चीजें उल्टी हैं और मैं सीधी कैसे उल्टा है। इस तरफ सारी शॉप्स हैं जो खाने पीने की, हमने तो खा पी लिया, पीछे से ही हम लोग आए। उस तरफ से है छोटे छोटे डायनासोर। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें बहुत ज़्यादा थक गया, हम लोग चलते हैं घर। आई होप आपको भी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट और कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और अब हम लोग चलते हैं घर, बाय बाय।